आज हम पढ़ेंगे एमएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री बायो एनर्जेटिक यूनिट फर्स्ट का। ये हमारा पार्ट वन है, ये हमारा पूरा इंट्रो बस रहेगा। इसके बाद जो लेक्चर आएंगे उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। हम जान लेते हैं कि बायो एनर्जेटिक क्या होता है। बायो एनर्जेटिक हमारे बायो केमिस्ट्री का वह पार्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी रिलेशनशिप का और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, कि एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब एक स्थान से कैसे दूसरे स्थान पर जाता है और हमारे शरीर में एनर्जी कैसे फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। और दूसरा, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बायो एनर्जेटिक पर हैं तो हम एनर्जी के बारे में भी जान लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो एनर्जी दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसे एनर्जी होते हैं जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन के थ्रू, मतलब उत्पन्न होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हमारे बॉडी में ऐसे एनर्जी होते हैं जो रेस्टिंग स्टेट पर होते हैं, यूज नहीं हो पाते। हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे उत्पन्न होते हैं उसको जानते हैं। हम जैसे कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंट लेते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंट को जब हम कंज्यूम करते हैं, ये हमारे फूड सोर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी हमारा कौन से फॉर्म में होता है? कुछ तो एनर्जी हम तुरंत यूज़ कर लेते हैं और कुछ एनर्जी जो हम यूज नहीं कर पाते वो हमारा एटीपी के रूप में संचित हो जाते हैं। और यही एटीपी है जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तब यही एटीपी टूटकर हमें एनर्जी देता है। तो इसको हम रेस्टिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित रहता है और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो तुरंत जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। क्या होगा जब यदि हम बहुत दिनों तक ऑर्गेनिक सब्सटेंट नहीं लेते भोजन के रूप में, तब हमें एनर्जी एटीपी से मिलता है। अब हम देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बायो एनर्जेटिक इज़ द पार्ट ऑफ बायो केमिस्ट्री कॉन्सर्नेट विद द एनर्जी इन्वॉल्वेड इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। मतलब केमिकल बॉन्ड्स के ब्रेक होने से जो एनर्जी मिलता है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं, यही इसमें बोला जा रहा है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं कि एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसका हमारे बॉडी से कैसे रिलेशन होता है और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम इसका पार्ट और देखेंगे।